गुड मॉर्निंग, जय मुरलीधर। सो अभी आटा बना रहे हैं बाजरे का, इसलिए आपको आवाज आ रही होगी घर घंटे की। अभी मैं जॉब से वापस आया तब प्याज में पानी लगा रहे थे पापा। चलो वो दिखाता हूँ, लग गया है वैसे तो कंप्लीट। देखिए ताजा ताजा ही लग गया है पानी, कंप्लीट लग गया है ये क्यारी में। और आगे देखो नाली में भी आ गया है लीक होके। अभी चलो वहां पर कुछ दिखाता हूँ आपको। देखिए कितनी बड़ी बड़ी मूली है, एक यहाँ पर है और यहाँ पर भी लगी हुई है सारी। देखिए अभी वो खाने में तो यूज नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी हो गई है, इसलिए वो भी पशु को डल जाएगी। देखिए यहाँ पर भी लगी हुई है और यहाँ पर भी एक है और दो तीन यहाँ पर है और इसमें पालक है ये। बाकी ये प्याज है, ये सीड्स बनाने के लिए रख दी है। देखिए ये अभी ज्यादा हो जाएंगे, पक जाएंगे, उसके बाद इसे सुखाएंगे तो सीड्स निकल जाएंगे इसमें से। मेरी मम्मी देखिए सब्जी की तैयारी स्टार्ट कर दी है, वो सारा कुछ निकल रहे, कैरेट निकाले संभार के लिए और भी धनिया मेथी वगैरह ले रहे हैं। देखो क्या बात है, आज क्यों जल्दी जल्दी लग गए सारा कुछ बनाने। मम्मी ऐसा है, 10 तो बज गए हैं, ठंड का टाइम है इसलिए मैं बहुत लेट उठता हूँ, 8 बजे उठता हूँ। उसके बाद वहाँ पर जॉब पे जो भी सारा कुछ काम करना होता है वो सारा कुछ निपटा लेता हूँ। उसके बाद घर आता हूँ तब तक तो 9 बज जाते हैं, फिर नाश्ता वगैरह करता हूँ तो 9:30-10 बज ही जाते हैं हर दिन। वैसे ये इतनी सारी तैयारी आज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे गांव वाली मासी आने वाले है, इसीलिए बहुत टाइम से अभी आए ही नहीं है। एक ही गाँव में रहते हैं हम लोग, फिर भी नहीं मिल पाते हैं, इसलिए आज आ रहे हैं। कल तो नहीं आ पाए उत्तरायण के दिन, लेकिन अभी आज आ रहे हैं, उसके लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। सो फाइनली ब्रदर और मासी आ गए हैं, देखना भी ये देखो। बैठे बैठे बोर हो गए थे इसलिए चलो अभी खेत पे निकल गए हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। वैसे तो कल दिखा दिया था राहुल भाई को, लेकिन चना नहीं दिख रहा था, इसलिए आज ये वाले भाई को चना दिखा देते हैं। चलते चलते जवार और मक्की बोई थी हमने, वहां तक पहुंच गए। चलो अभी ये देखते हैं ग्रो हुई कि नहीं, वैसे तो कुछ दिख नहीं रही है। ये इतने में जवार लगी हुई थी, ये भाई देख रहा है मिलते हैं कि नहीं। वैसे जवार छोटी सी होती है इसलिए इतनी जल्दी दिख नहीं जाती। तो ग्रो हुए ही है, देखो अभी दिखेगी थोड़े टाइम में। चलो अभी वहां पर मक्की थी वो भी देखते हैं। ये भी उसी तरीके से है, साथ में ही बोई हुई थी इसलिए ये भी ग्रो नहीं हुई कंप्लीट। देखिए देखिए भी फटने लग गई है खेत। देखो ये तिराड़ दिख रही है, वैसी हो गई अब होगी धीरे धीरे। चलो अभी आगे वाला चार पाने वाला जीरा देखते चलते हैं। कल तो देखा था ये वाला तो हमने, अभी आज ये वाला देख लेते हैं महेश भाई के साथ में। ये वाले जीरे में भी पहुंच गए,
देखो ये अगले वाले गैप में भी चार पानी ही लगे हुए हैं और ये वाले में भी। ये चलो वहां तक देखते चलते हैं। बहुत टाइम बाद आया है महेश भाई यहाँ पर, क्यों कब देखा था लास्ट बार ये? कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, बहुत टाइम पहले आया हुआ था यहाँ, तब तो हम यूट्यूब पे भी नहीं आए हुए थे। 3-4 साल पहले आया हुआ था यहाँ पर, घर पे तो टाइम टाइम पे आता रहता है। और ये देखिए हमारे पास का खेत, ये इतने में जीरा खराब हो गया उनका, देखो ये देखो सुकड़ गया पूरा। देखते ही देखते ये वाले बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ से देखो हमारा घर कहाँ तक है, वहां पर देखिए इतना दूर तक है हमारा खेत, यहाँ से सीधा देखिए। चलो अभी यहाँ से जाएंगे सीधा कल की तरह। और यहाँ पर ये इतना ग्रास आ गया था बहुत टाइम पहले, वो मैं निकल गया था लेकिन आपको दिखाया नहीं था शायद। चलो अभी रास्ते तक पहुंच गए हैं, अभी उस तरफ निकलते हैं सीधा। दोपहर भी हो गई है, खाना खाने का टाइम भी हो गया है ऑलमोस्ट, चलो अभी खाना ही खा लेते हैं। सो दोपहर के पहले खाना वगैरह खाया और थोड़ी देर बैठे थे, बातें वगैरह की, उसके बाद मासी और मासी भाई दोनों चले गए हैं। तो अभी दवाई छिड़कने का काम स्टार्ट कर दिया है दोपहर के बाद, देखिए। चलो अभी मैं भी लग जाता हूँ, और सुबह भी पापा तो लग गए थे इसलिए अभी ज्यादा तो बाकी नहीं रही होगी। कितने में बाकी रही? 9 या 10। 9 या 10 स्प्रे पंप करने हैं, चलो कर लेते हैं कंप्लीट। एक स्प्रे कर दिया है मैंने, सो ये पाउडर डाल रहे हैं, अगली बार डाला था वही M45 और वो M-Star डाल रहे हैं, देखिए। और ये तो नीम ऑयल है, ये दोनों दवाई चिपक जाए उसके लिए होता है ना। So, ये 3 तरह की है दवाई। दवाई को कंप्लीट छिड़क दी है, अभी लास्ट पंप लेके गए हैं पापा। चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, बाय बाय।